नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अतुल निगम की अध्यक्षता में हुई विद्युत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य को हर हाल में सफल बनाने का दिया सख्त निर्देश। नीलाब्जा चौधरी ने संभाला आईजी का पदभार। कहा, जनता की शिकायतों का निस्तारण और अपराध पर अंकुश ही होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का कचहरी क्लब टाउन हॉल गोलघर में हुआ उद्घाटन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार से आरंभ हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे की नजर में छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। जिलाधिकारी राजीव रतेला की अध्यक्षता में कैंपियरगंज में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कमिश्नर अनिल कुमार और आईजी नीलाब्जा चौधरी भी हुए शामिल। कुल 104 मामले में 32 का मौके पर हुआ निस्तारण। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। मिलेनियम वोटर्स अभियान के तहत युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने पर बनाई गई रणनीति। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक। महवा मंडी की समस्याओं सहित अन्य दिक्कतों के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। तहसील सदर सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 115 मामलों में से एक का हुआ निस्तारण। रेलवे कर्मचारियों के आयकर की सीमा छूट बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने की आम सभा। रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की मांग को लेकर मछुआ समुदाय के लोगों ने तहसील परिसर में दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। जेई और एईएस के रोकथाम और बचाव के लिए आयोजित होंगे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिलाधिकारी राजीव रतेला ने जिले के सभी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाने का जारी किया फरमान। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय का 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स शिविर का हुआ समापन। छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य से बांधा समा। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। एक दर्जन से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अतुल निगम की अध्यक्षता में मंगलवार को मोहद्दीपुर स्थित विद्युत विभाग सभागार में विद्युत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना को चिन्हित घरों तक पहुंचाने, विकास कार्यों को समय के भीतर पूरा किए जाने, विद्युत विभाग द्वारा शहर में 2,41,000 नए मीटर लगाने, सरकारी विभागों में करोड़ों के बिजली बिल के बकाए की रिकवरी करने, खराब और पुराने मीटर को बदलकर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान एमडी अतुल निगम ने अधिकारियों को संबंधित बिंदुओं पर समय के भीतर और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अतुल निगम ने कहा कि समय कम है और काम ज़्यादा करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन उसे भी बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। जो मीटर हमारे गारंटी पीरियड में डैमेज हो गए हैं, कितने साल की गारंटी होती है मीटर की? मीटर खराब हो रहे हैं, मीटर कंपनी वालों को अगर आप भेज करके बदलवाओगे नहीं तो पैसा डुबो रहे होता है। एक डिवीजन का ऑडिट करवा दूंगा मैं बैठा करके, एक अकाउंटेंट भेज दूंगा, एक इंजीनियर, हमें सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। हम इन सब चीजों में जाना नहीं चाहते। प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझते हो तुम लोग, मुझे एक ये चीज करनी पड़ेगी। यहाँ भी जाइए, अपनी खराब छोड़िए, चलिए जाइए ग्रामीण क्षेत्र वाले जाइए, ले जाए
और व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नहीं कहा पहले पता करिए मीटर कहाँ लग रहा है। घर बने हुए हैं पहले से, तो उनमें एक घर का अगर मेंटेनेंस कराने के लिए हम तो वो उसमें एफडीओ का ऑफिस खुल जाता है, जमीन है उसको अगर बाउंड्री नहीं कराएंगे तो जमीन हाथ से निकल जाएगी साहब, तो उसको तुरंत अपने कब्जे में लेकर के रादर इट विल बी बेटर टू कंस्ट्रक्ट द एक्शन कबीराम ऑफिस है, वहाँ पर अगर एक बन जाता बहुत अच्छा होता। वो ऐसा करिए देगी लेकिन मरम्मत ऐसे कराइए कि वो सर्विलियन बन जाए उस पर। हाँ जी, वो हमने अपने से मुताबिक था वो वहाँ के एस डी ओ से बात करके जो चिन्हित करेंगे जो आवास पुराना है उसका मेंटेनेंस हम बना लेते हैं। पूरे कार्य हैं उनकी मॉनिटरिंग में कमी पाई गई, मीटर विभाग के द्वारा जो मॉनिटरिंग करनी थी उसमें कमी पाई गई है। चेतावनी दी गई है 10 दिन का टाइम दिया गया है और अगर उनमें सुधार नहीं होता है तो चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मीटर पर शेड्यूल बनाया है तो शेड्यूल बनाने के ऊपर अनुश्रवण करना और वो शेड्यूल का पालन करवाना भी तो उनका काम है, सहायक अभियंता मीटर का काम है। अच्छा अच्छा। योजना में 154 बजरे 154 बजरे गोरखपुर में विद्युतीकरण होने वहाँ खंभे लग गए हैं, तो हमने एक्शन सिविल को भेजा है कि खंभों की ग्राउटिंग सैंपल वे में चार जगह जा करके उनकी ग्राउटिंग चेक करेंगे, फोटो खींच के लाएंगे ताकि कार की गुणवत्ता पे हम नजर रख सके। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी बनटंगिया गांव के है, बनटंगिया गांव जो है उन गांव में उनका विद्युतीकरण चल रहा है तो उसमें देखने भी हम जाएंगे, यहाँ से महाराजगंज के गांव है वो ऐसा उनमें से कुल 18 गांव है जिनमें से 7 में सोलर का, जहाँ पर वन विभाग की वजह से हमारी लाइन नहीं जा सकती है वहाँ पर सोलर से उसको ऊर्जीकरण का डेटा को हमने अनुरोध किया हुआ है, पैसा भी दे दिया है। बाकी 11 गांव को हम अपने लाइन पहुँचा करके ग्रिड से जोड़ेंगे, वो ऑफ ग्रिड कहलाता है, जो डेटा करेगी सोलर वाला वो ऑफ ग्रिड कहलाता है। ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण के लिए डेटा 7 गांव में करेगा, 11 में बिजली विभाग जो है पूर्वांचल विद्युत निगम 11 पे काम शुरू हो चुका है और इसको 15 फरवरी तक हमें करने का हमारा लक्ष्य है। जो ये गांव है हमारे 11 निकल के आए हैं, 15 फरवरी तक करना है। अब मीटर से बिल निर्गत करना, यहाँ तक का काम जो मीटर लगाने वाली एजेंसी को दिया गया है लेकिन अनुश्रवण तो विभाग को ही करना है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2,00,000 कितने बताइए? 2,41,000 गोरखपुर में 2,41,000 कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें मीटर लगना है, जिनमें अभी करीब करीब 40,000 लग चुका है। सरकार की भी और हमारे विभाग की भी चिंता है कि इनके ऊपर पूरा पैसा दिया गया और इनका ईपीएफ जो है जरूर कटे, तो हमने सबसे सूची मांगनी शुरू कर दी है। जितने भी कॉन्ट्रेक्टर हमारे काम कर रहे हैं उनकी सबसे सूची मांगनी शुरू कर दी है, उनका नंबर सही कि जो है और जो है हमारे ऐसे काम इसको जो है वो करेंगे, इन्फोर्स करेंगे कि सबका ईपीएफ जरूर कटे ताकि उनको मिले। और पैसा चूंकि उनको चेक से दिलवाने की बात है तो कम कैसे दे रहे हैं ये इसको जरूर देखेंगे, आप लोग संज्ञान में लाए हैं कम दे रहे हैं तो इसको देखा जाएगा। और मैं अभी निर्देश देकर जा रहा हूँ कि चेक से पेमेंट डिवीजन में एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखें, इसको दिखाइएगा चेक से पेमेंट। जिम्मा सौंपा गया है कि एक जैसा टेंडर बना करके और बड़ी बड़ी कंपनी आए ताकि इनका शोषण ना करें या उनपे पैसे खत्म हो गए तो अपने नीचे वालों को पैसे कम दे, इस तरह की चीज ना हो, तो इसके लिए दक्षिणांचल विद्युत निगम ने टेंडर निकाल दिया है, लगभग फाइनल होने के स्टेज में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, जिसमें बिलिंग में करने के लिए अच्छी कंपनी आएगी जिनके सामर्थ्य भी होगी अपना पैसा देने की
अभी छोटी कंपनी होती है तो उनपे इतना पैसा नहीं होता है कि वो जब मिलेगा तो देंगे और जब करेंगे तो उसमें जो टाइम लग जाता है उस टाइम की वजह से जो डिले होता है वो डिले नहीं होगा और अच्छी क्वालिटी भी उम्मीद है मिलनी चाहिए। कंडीशन भी टफ होंगी उनसे जो भी स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ उनको लाया जा रहा है। इनको 40 लाख मीटर पूरे प्रदेश में लगाना है, अपने पूर्वांचल में बनारस गोरखपुर इलाहाबाद तीन जगह लगने हैं। बनारस में 100 मीटर आकर के ट्रायल पे लगने के लिए बहुत ही जल्दी इसी वीक में शुरू हो जाएंगे ट्रायल पे लगना, और उनको ट्रायल पे लगने के बाद में इनसे डाटा लेकर के स्मार्ट मीटर का फंक्शनिंग प्रॉपर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको 2 महीने या जितने दिन भी अभी एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं बताया उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग हो जाने के बाद में क्लियर होने के बाद में फिर हमारे सिस्टम से इंटीग्रेशन देखेंगे, जो हमारा सिस्टम है इसके साथ में इंटीग्रेट हो जाए फिर बनारस के साथ साथ गोरखपुर और वहाँ भी लगाना इलाहाबाद में लगाना शुरू कर देंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट कह लीजिए या पायलट तो नहीं कहना चाहिए, एक टेस्टिंग वाला पीरियड शुरू हो गया उनका। गोरखपुर में कितने मीटर लगेंगे अभी कितने अभी अलॉटमेंट नहीं आया है इसका कितने मीटर लगने का, लेकिन शहर में पूरे लग जाएंगे। कितने कनेक्शन है उम्मीद है लग जाएंगे लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं है। कब से लगने शुरू होंगे ये? लगभग 2 महीने में टेस्टिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद शुरू हो जाना चाहिए। तो पैसा विभागों को बजट अवमुक्त हो चुका है, हम लोग को वसूल करना है। सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगने थे गाजियाबाद में तो के इसमें भी लगने थे, सरकारी दफ्तरों में भी लगने थे और बाकी सब शहरों में आवास में लगने थे। आवास में एक्चुअली इंतजार कर रहे थे कि ये टैरिफ रिवाइज हो गया है तो हमारा प्रीपेड मीटर में प्रोग्रामिंग है पुराने टैरिफ के हिसाब से, तो इसके लिए इसको टैरिफ के हिसाब से इसको रिवाइज कर दिया जाए। दूसरा मीटर की कॉस्ट चूंकि नहीं लेनी है 10% बिल में लेनी है तो वो 10% का भी मीटर में प्रोविजन कर दिया जाए। बात कर लीजिए इसको प्रोविजन कब तक करेंगे सीक्योर से बात कर लीजिए। बैठक विकास कार्यों को गोयल साहब बैठक विकास कार्यों को लेकर भी हुई थी और इसमें इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे संयोजन है जहाँ पर मीटर नहीं लगे हैं वहाँ पर मीटर लगाने से संबंध में, और इसके अलावा सौभाग्य योजना जो चल रही है हर घर बिजली कनेक्शन देने की योजना इसमें इसकी सफलता को लेकर बैठक की गई थी, तथा बड़े कंज्यूमर हैं इनकी मीटरिंग को लेकर के इनकी मीटरिंग इनकी बिलिंग को लेकर भी बैठक में मीटर विभाग से भी बात की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सर किस तरह की कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं उसको सर कैसे पूरा करेंगे सर? ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कतें केवल ये आ रही है कि काम बहुत ज़्यादा करना है और समय कम है, अन्यथा कोई दिक्कत इस तरह की नहीं कि जिसमें हमें कोई काम करने में कोई असुविधा नहीं। गोरखपुर के निवर्तमान DIG से पदोन्नति करने के बाद गोरखपुर परिक्षेत्र के IG पद पर कार्यभार संभालने के बाद नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि शासन की योजनाओं को संचालित करना, जनता की समस्याओं का निस्तारण करना, अपराधियों पर अंकुश लगाना, एंटी रोमियो स्क्वाड तथा एंटी भू माफिया स्क्वाड को और अधिक प्रभावी बनाना जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये क्षेत्र जाना पहचाना है, इसलिए पुलिस और जनता के बीच तालमेल स्थापित करके अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IG नीलाब्जा चौधरी ने बताया, पद के जो उत्तरदायित्व थे और मैं जो कार्य क्षेत्र था वो पूर्व के भांति है और जो मेरी प्राथमिकता पहले थी वो आज भी वही रहेंगी और प्रयास यही होगा कि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो, अपराध पे अंकुश लगे
और एक भयमुक्त अपराध मुक्त वातावरण की जो परिकल्पना शासन द्वारा किया गया उसको साकार किया जाए। अपराधियों पर अंकुश लगाना, थाना दिवस को प्रभावी बनाना, तहसील दिवस को लेकर के क्या कुछ नया है? तहसील दिवस और थाना दिवस संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में शासन द्वारा इसका नामकरण किया गया और संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में इनको लिया जा रहा है और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन दोनों दिवसों में अधिक अधिक जो है समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण करते हुए मतलब लोगों को राहत दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाए। एंटी रोमियो दल, भू माफिया, स्काइड दल, इस सब की योजनाओं के कितना प्रभावी बना रहे हैं? एंटी रोमियो स्क्वाड और भू माफिया, एंटी भू माफिया का जो अभियान शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं वो एक प्रयास यही है कि जो एंटी रोमियो दल है वो जो लड़कियां या महिलाओं के साथ छेड़खानियों की घटना होती है उनकी उनके अस्मिता पर चोट पहुंचाने वाली जो कुछ तत्व है उनको जो है सावधान किया जाता है उसके माध्यम से और ये भी प्रयास किया जाता है कि जो नई पीढ़ी है उसको केवल दंडात्मक रूप में ही उसके मतलब साथ पेश ना आकर एक काउंसलिंग की भूमिका भी अदा किया जाता है और ये आगे भी इसको और क्रियाशील बनाने की प्रयास किया जाएगा। इंडो नेपाल सीमा है सर, जब काफ़ी इसको देखा जाए तो संदिग्ध माना जाता है नेपाल के बॉर्डर को। नहीं, निश्चित रूप से इस समय नेपाल में नए सरकार की गठन के परिदृश्य में ये सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें SSB के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी हम लोग की हुआ करती हैं और जो भी बॉर्डर के जिले विशेषतः महाराजगंज इनके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उस पर सजग रहते हुए सीमा पे जो भी आवश्यक दिशा निर्देश शासन द्वारा या भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उसका अनुपालन कराएं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गोरखपुर द्वारा 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा फीता काट कर किया गया, जिसके पश्चात नगर विधायक ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर परिक्षेत्रीय ग्राम उद्योग अधिकारी अनिल रामेंद्र मिश्र और विभागीय अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत बैज लगाकर और अंग वस्त्र भेंट कर किया। इस मौके पर अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक ने महात्मा गांधी को याद किया और उनके द्वारा स्वदेशी लाओ देश बचाओ के अभियान को आगे बढ़ाने, खादी और ग्रामोद्योग को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। ऐसा ही बस चार प्रसाद उद्देश्य है सब आपको स्वयं कलेक्ट करते हैं। परिवर्तन आने से ले हस्त में लोगों की संपर्क पान की खुशबू की हो।
की परंपरा अतिथियों का आप सभी से आग्रह करता हूँ। आइए एक स्वागत गीत, आइए स्वागत गीत आप सबके बीच में अमृता चंद्रा और ऐश्वर्य चंद्रा। कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी माननीय श्री जी के द्विवेदी जी, योजना अधिकारी सम्माननीय श्री ललित सक्सेना जी, उद्यमी आए हैं प्रदेश के बाहर से भी, मध्य प्रदेश से और श्रीनगर से विशेष उपस्थिति हुई है। ऐसे सभी सम्मानित दीदी हमें आज़ादी बिना खदक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ किया है। अगर महात्मा गांधी जी की आत्मा ऊपर से बैठकर भारत की ओर नजर डालती होगी तो जिस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने शून्य से की थी, वो आंदोलन आज एक बट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, उन्हें स्वयं इसकी कल्पना नहीं होगी। गौरवशाली अतीत को भूल चुके थे और यह हमारा सौभाग्य था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति में डूबा रचा बसा एक ऐसा नेता था जिसे इस बात का एहसास था कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के बाद का लक्ष्य मान करके नहीं लड़ी जा सकती। वो कहते थे चरखा और करघा इस देश की कंगालियत के खिलाफ लड़ाई है और जैसे जैसे देश की कंगालियत के खिलाफ लड़ाई सफल होगी वैसे वैसे यह देश अपने आप आजाद होता चला जाएगा। 10 लाख का उद्योग है तो बमुश्किल 10% माने तो उद्योग होता है और उसी का फल है दोस्तों। मैं हम लोगों ने धन का नहीं देखा और इतनी निष्ठा के साथ बहुत सारे को करने का प्रयास किया जा रहा है। इन खाद्य उत्पादों से पटने वाला मंगलवार से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। परीक्षा के लिए गोरखपुर ज़िले में कुल 209 केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल 93,483 छात्र और इंटर में 76,574 छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए। मंगलवार की सुबह पाली सुबह 7 बजे से आरंभ हुई जिसमें हाई स्कूल के गृह विज्ञान की परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा से पूर्व विद्यालय के गेट पर छात्र छात्राओं की सघन तलाशी ली गई। कई बच्चों के पास उत्तर पुस्तिका बरामद हुई तो
उसे स्कूल से बाहर फेंकवा दिया गया। पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए कक्षाओं में CCTV कैमरा लगाए गए हैं। वहीं स्कूल के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। बोर्ड परीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारी वीडियो तहसीलदारों व संबंधित अधिकारियों ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि उन्होंने जिले के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है, सब कुछ सामान्य चल रहा है, कहीं एक जगह CCTV कैमरा खराब पाया गया। ऐसे विद्यालयों को जल्द CCTV कैमरा ठीक कराने का निर्देश दिया गया। सभी यहीं के बच्चे हैं? सभी। बाहर के कितने लोग हैं? सर बाहर के बगल वाले कमरे में कितने बच्चे हैं? 48 होंगे, 48 से ज्यादा है। हमारे यहाँ कुछ 13 बच्चे फ्रेंड थे हाई स्कूल के, और हमको लग रहा है इंटर में भी कुछ बच्चे 13 बच्चे थे, 13 बच्चे तो हाई स्कूल में थे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। कितने लोग? 25 है क्या? Thank you.
जो लोग नहीं लाए हैं रियल पेपर में जरूर लेके आए। एक तो यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे मैंने टोटल कमरों में व्यवस्था देखी, सीसीटीवी फुटेज डिस्प्ले स्क्रीन जो है वहाँ पे सारे कमरों का फुटेज जो है डिस्प्ले हो रहा है, और बच्चे अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ जो है परीक्षा में बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संचालित हो रही है। अभी जितने सेंटर पर हम लोग गए, सुबह की पाली में भी गए, शाम में भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, कहीं कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली या नकल का अंदेशा जो है हम लोगों को कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। सर विद्यालयों में गए निरीक्षण किए, कहीं कुछ कमी या कुछ इस तरह की बात? कुछ जगहों पे एक दो कमरे के सीसी फुटेज डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने संबंधित केंद्र व्यवस्थापक को निर्देश दे दिया है और इस पाली में वो लोग जो है सुधार कर रहे हैं। अब इस चीज सेंटर से बात आ रही है, सच्चाई क्या है अब ये तो जांच का विषय है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके खिलाफ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में कैंपियरगंज में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने तहसील दिवस में आने वाले भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण के मामले और राजस्व मामले में पुलिस टीम भेजकर समस्या को सुलझाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा जिस राजस्व क्षेत्र में भूमि विवाद, विरासत, अवैध अतिक्रमण के अधिक मामले आएंगे वहां दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस में कुल 104 मामले आए जिसमें से 32 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के बारे में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर मामले का निस्तारण करके आख्या प्रस्तुत करें। शिकायत की सुनवाई के समय या मौके पर जाते समय शिकायतकर्ता को अवश्य साथ लाएं। तहसील दिवस में कमिश्नर अनिल कुमार और IG नीलाब्जा चौधरी भी शामिल रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता बरतें तथा लोगों को राहत पहुंचाएं। इस दौरान CDO अनुज सिंह, ADME प्रभुनाथ, CRO बलराम सिंह, SP गणेश शाह ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा निस्तारण का निर्देश दिया। इस अवसर पर यशवंत सिंह, सप्त ऋषि, संजय कुमार, समरजीत, बब्बन उपाध्याय, नागेंद्र सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की बैठक मंगलवार को सूरजकुंड के बिलंदपुर हाता स्थित नगर निगम कार्यालय प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश मंत्री और बनारस के पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह, मिलेनियम वोटर महाअभियान के महामंत्री पवन यादव, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, शिवम पांडे, ब्रिजेश श्रीवास्तव, श्रीकांत सिंह, अनुप गुप्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मिलेनियम वोटर्स महाअभियान के सफल संचालन तथा 18 वर्ष के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर चर्चा की गई। माल्यार्पण कार्यक्रम के लिए आग्रह करेंगे भारतीय जनता दो मिनट महानगर अध्यक्ष स्वागत कर लेंगे कि अपने महानगर के जितने 70 वार्ड हैं सभी सेक्टर संयोजकों की एक कार्यशाला हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी उस कार्यशाला को संबोधित किया था, और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उस सेक्टर के जो अपना कार्यशाला था उसमें आदरणीय बंसल जी ने कहा था कि बहुत दिनों के बाद और एक मिसाल देने का जो पूरे प्रदेश में बैठकों में एक उदाहरण देने का जो काम आगे किया जाएगा, और फिर हम लोग की जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी क्षेत्र की दोनों जिलों की, गोरखपुर महानगर और जिले की, उसमें उस उदाहरण को उन्होंने दिया था कि सभी 70 के 70 सेक्टर के संयोजक वहां उपस्थित थे। इसके लिए मैं आप सभी युवा मोर्चा के साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हम लोगों ने पवन यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
क्षेत्रीय मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी उस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि थे। हम लोगों ने शहर विधानसभा का बिलंदपुर में शिव मंदिर के पास शहर विधानसभा का मिलेनियम वोटर्स का शुभारंभ किया था। आज इस ग्रामीण विधानसभा के मिलेनियम वोटर्स के शुभारंभ के अवसर पर एक बार पुनः अभी आदरणीय अनूप जी, आदरणीय अमर कौशलेन जी आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद जो सेक्टरों में कार्यक्रम संपन्न होंगे, यानी अपना जो 48 सेक्टर शहर विधानसभा और 22 सेक्टर ग्रामीण विधानसभा, मैं एक बार आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, चूँकि 15 फरवरी तक का ये अभियान है, निश्चित तौर पर पार्टी की जो सोच है उसको आप पूरा करें और 18 से 35 वर्ष की आयु में आयु के जितने भी अपने नौ मतदाता हैं उनको पूरा, अभी कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप निश्चित तौर पे जब जाएंगे हर घर में डोर टू डोर, आप वहाँ जाके संपर्क करेंगे, उन्हें अपना मतदाता बनाएंगे तो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मतदाता बना रहे हैं। आगे चल करके वो निश्चित तौर पे कि राष्ट्र के लिए यदि समर्पित आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचते हैं तो निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही आकर्षित होगा, ऐसी सोच हम सभी की है। इसलिए जो 70 के 70 वार्ड में यानी अपने ग्रामीण विधानसभा का आज ये शुभारंभ जो 22 सेक्टरों के लिए है, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पर उसका निर्वहन करते हुए और जो पार्टी की सोच है उसका अनुसरण करते हुए और नए मतदाताओं को अधिक से अधिक बनाने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार मंत्री आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पवन जी, ग्रामीण के संयोजक हुए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और अपने इस ताकत को बनाए रखने के लिए, जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए और पार्टी तभी मजबूत होगी और आगे उस क्रम को जारी रखना तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पार्टी से युवा अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। इस नाते पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आप सभी लोगों के बल पर यह निर्णय लिया कि हम मिलेनियम वोटर अभियान चलाएंगे। मिलेनियम वोटर अभियान माने 2000 से जो पैदा हुआ बच्चा है, आज जो 18 वर्ष का हो चुका है, उसको जोड़ने का काम करेंगे। मित्रों, इस देश के अंदर तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कुचक रचते रहते हैं। नौजवान जो है वो भ्रमित होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर हम ऐसे नौजवानों को जो 18 साल के हैं उनको हम एक तो मतदाता बनाएं और दूसरे अपने विचार से जोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ बढ़ेगा। और जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में उद्योग बंधुओं की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें उद्योग बंधुओं की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने महवा मंडी की समस्याओं के साथ व्यापारियों के अन्य समस्याओं के समाधान के निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गोरखपुर नगर क्षेत्र में बनने वाले नाले का सर्वे पुनः कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पूर्व में नगर निगम के लगभग 7 करोड़ की लागत से इसका एस्टीमेट तैयार किया गया है। भालोटिया मार्केट में नियमित रूप से रोड पर बहने वाले पानी का इंतजाम करने, साफ सफाई कराने तथा एक अच्छा वातावरण बनाने पर जोर दिया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ADM सिटी रजनीश चंद्र, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, मंडी सचिव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। अग्निशमन यंत्र और सोलर लाइट की व्यवस्था ये हो गई है, लेकिन ट्रांसफर की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई। इसमें सचिव साहब ने बताया कि बैठक करके पुनः जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। पिछली बैठक में क्या आदेश दिया? सर, व्यापारियों को आप स्थायी निर्माण करके रूल भंडार करने की अनुमति देने की बात पर आप द्वारा कहा गया था। यही बैठक यही बातें उन लोगों से कहा, व्यापारियों ने कहा था हम स्थायी निर्माण करके हमारा रूल अंतिम रहेगा, पर ही चल जाएगा। क्यों चल रही मंडी वहाँ पर? क्यों चल रही है अवैध रूप से?
दूसरा आवंटित किया गया विभाग से। आपने आवंटित किया है? विभाग से विभाग से आवंटित हुआ है सर। तो आप क्यों हटाना चाहते हैं? मांग सर ये की गई थी कि मांग से नहीं, जो स्थिति है वो बताइए ना। मांग तो मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ रोई मंडी बना दूँ तो मांग को ही मान लूंगा मैं सर। ठीक है, इनको ये किनारे फिक्टिंग किया जाए, उसी में सर यहाँ मांग किया गया दूध मंडी इनको कर दिया जाए। दूध मंडी जी वो कहाँ है? मंडी आठ में सर ये किनारे है, बस मंडी बदल। अच्छा, ये किसने निर्णय किसने लिया है? निर्णय लिया गया सर, यहाँ मांग किया गया था, उसी मांग के क्रम नहीं चल रहा एक सर रोस्टर बना करके जनता और पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम को कहा गया था, तो कार्य तो हो रहा है, कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, कार्य तो कराई कि नहीं है? जाड़ों में सर इधर भी फार्मिंग बंद भी चल रही है सर, बस मौजूद है, मच्छर चालू है तो सर सीजन स्टार्ट चालू है, मच्छर चालू है फिर दोबारा तो करवा दी थी। जाड़ों में दिसंबर और जनवरी दो महीने बंद रहती है, फरवरी चालू हो रहा है, 15 फरवरी मच्छर आने लग गए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सदर सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सदर राहुल पांडे ने की। समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए SDM सदर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को उसके निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान मंगलवार को आए 115 मामलों में से एक का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। समाधान दिवस में CO कोतवाली तारकेश्वर पांडे, तहसीलदार सदर विनोद सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जो लोग न्यायालय के लिए देखा हुआ है, कोशिश करेगा।
पाँच हिस्सेदार है, एक आदमी कहीं मांगने मगर गाटा में भी आपका नाम चढ़ा है, कहाँ आता है नहीं, आप जाएंगे वहाँ पे बंटवारा होगा, उसके बाद आपको बंटवारा क्या है ना भी है क्या है गाटा में कर्मचारियों के आयकर की छूट सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर रेलवे श्रमिक संघ के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर एक सभा का आयोजन किया। सभा में संघ के पदाधिकारियों ने 2018-2019 के बजट को नौकरी पेशा लोगों के लिए निराशाजनक बताया। इस दौरान उन्होंने बजट में संशोधन करते हुए नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर की छूट सीमा 5 लाख तक बढ़ाए जाने की मांग की। सभा के दौरान संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष केपी त्रिपाठी, रीता मिश्रा, योगेंद्र यादव, शंकर बसु, बजरंगी दुबे, शंभुनाथ तिवारी, कृपा शंकर तिवारी सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के बजरंगी दुबे ने कहा, आंदोलनरत हैं और क्या करने वाले हैं? आज भारत सरकार द्वारा संसद में पेश 2017-18-19 के ये सारी बातें तो अच्छी हैं, जैसे किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं जो सराहनीय हैं, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, सातवें वेतन आयोग बढ़ने के बाद सबकी तनख्वाह में कुछ बड़ी बढ़ोतरी हुई है और आयकर की सीमा पुरानी रह गई है,
ऊपर से जो हम लोग परिवहन भत्ता मिलता था, जो टैक्स मुक्त हुआ करता था, इस बार उसे भी जोड़ लिया गया है। इस प्रकार से कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए हम आयकर की सीमा 5 लाख बढ़ाने की मांग को लेकर इस बात को कर रहे हैं। मछुआ समुदाय के लोगों का नाम ओबीसी की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने और अनुसूचित जाति के तहत उन्हें सभी सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर मछुआ समुदाय के लोगों ने मंगलवार को निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल के बैनर तले तहसील परिसर में धरना दिया। मछुआ समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में लाने का शासनादेश जारी हो चुका है, इसके बावजूद तहसील के कर्मचारी उनके समुदाय के लोगों को ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, जिससे इस समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अपनी मांगों को लेकर मछुआ समुदाय के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को प्रेषित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दल के देवमणि ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जाति का आरक्षण की मांग को लेकर के हम लोग जो भारतीय संविधान में हमारा अधिकार मझवार के नाम से लिखा हुआ है, छाछड़ जातियों का समूह जिसमें धर्म के नाम पर जो लोग उजाड़े गए थे, जो कानून बना करके उजाड़े गए थे, तो ये मझवार जाति के लोग जिनका जल जंगल जमीन से अधिकार छीना गया था, कानून बना के उजाड़ा गया था, उनको 53 नंबर पर मझवार जात के नाम से अंकित किया गया है। मझवार की प्रवासी जातियाँ केवल मल्लाह माझी मुजाबिर गोंड राजगुण मझवार के नाम से है। तो हमको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र ये तहसीलदार महोदय द्वारा जारी नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग शांतिप्रिय ढंग से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का सख्त आदेश है कि जो भी कार्रवाई होगी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता शांतिप्रिय ढंग से अपने ज्ञापन को देंगे, अपनी मांगों को। कमिश्नर अनिल कुमार ने मंडल के चारों जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि जेई व एईएस के रोकथाम में जागरूकता महत्वपूर्ण है और ये शासन की प्राथमिकताओं में भी शामिल है। 2 फरवरी को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी इस विषय पर जोर दिया गया था। उन्होंने बताया कि गोरखपुर मंडल में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में 9,769 हेल्थ इंस्ट्रक्टर नामित किए गए हैं, जिन्हें 12 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व अधीक्षक के स्तर से जेई और एईएस के रोकथाम व बचाव हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं 17 और 24 फरवरी को विद्यालयों में विशेष अभियान के अंतर्गत बच्चों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने जनपद स्तर पर गोरखपुर 7 फरवरी को, 8 फरवरी को महाराजगंज, 9 फरवरी को कुशीनगर और 12 फरवरी को देवरिया के ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी BCPM एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर मंडल के स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने निर्देशित किया कि इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए और अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति, स्पष्ट नाम, मोबाइल नंबर सहित उन्हें भी उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने जिले के सभी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाने के निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए चित्र को ही अपने कार्यालय पर लगाएं। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के BED विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय रोवर रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को कॉलेज परिसर में समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रामजन्म सिंह ने गाइड द्वारा कॉलेज परिसर में लगाए गए प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया और छात्राओं से शिविर से संबंधित आवश्यक पूछताछ की। प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर रोवर्स रेंजर्स की विभिन्न टोलियों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अनुभव को साझा किया, जिसके पश्चात विजेता टोलियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर राम रक्षा पांडे, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, डॉक्टर ममता तिवारी, सरिता यादव, ब्रजेश त्रिपाठी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ।
हमारे दक्षिण पूर्व में बना दिया, ये तो एग्रीकोड हो गया। लक्ष्मी क्या क्या कहा डॉक्टर साहब, लड़की पैदा हुई? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब मैं क्या करूं? या डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, खेलेगी तू लाडों के लिए। बंद है कि बढ़िया खिड़की पिता कर मासूम सी नन्ही परी हूँ मैं, बताना चाहती हूँ यूं को नहीं ना बता दो मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ, ना जाने क्यों मेरे अपने ही मेरा वजूद मिटाना चाहते हैं। बेटी को एक बहुत समझते हैं और एक बेटा पाना चाहते हैं, यूं को नहीं ना मिटा दो मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ, दुनिया में आना चाहती हूँ, दुनिया में आना चाहती हूँ। बेटिया बेटिया बेटिया, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ स्मृति 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ मंगलवार को दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे बैडमिंटन टीम के मुख्य प्रशिक्षक संजीत प्रधान, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के संयुक्त सचिव डॉक्टर राजवीर सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, सहायक क्रीड़ा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण सिंह सहित कई शिक्षक और खिलाड़ी मौजूद रहे।
तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा बैडमिंटन खेल कर किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के लगभग एक दर्जन से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि 8 फरवरी को ये प्रतियोगिता समाप्त होगी। इसी दिन विजेता टीम पुरस्कृत किए जाएंगे। अगले मैच के खिलाड़ी शाश्वत मिश्रा और अभिषेक सिंह रिपोर्ट करें। शाश्वत मिश्रा और अभिषेक सिंह सर्विस चेंज 1-4। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के MD अतुल निगम की अध्यक्षता में हुई विद्युत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य को हर हाल में सफल बनाने का दिया सख्त निर्देश। नीलाब्जा चौधरी ने संभाला IG का पदभार। कहा, जनता की शिकायतों का निस्तारण और अपराध पर अंकुश ही होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का कचहरी क्लब टाउन हॉल गोलघर में हुआ उद्घाटन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार से आरंभ हुई UP बोर्ड की परीक्षा। CCTV कैमरे की नजर में छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। जिलाधिकारी राजीव रतेला की अध्यक्षता में कैंपियरगंज में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कमिश्नर अनिल कुमार और IG नीलाब्जा चौधरी भी हुए शामिल। कुल 104 मामले में 32 का मौके पर हुआ निस्तारण। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। मिलेनियम वोटर्स अभियान के तहत युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने पर बनाई गई रणनीति। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक। महवा मंडी की समस्याओं सहित अन्य दिक्कतों के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। तहसील सदर सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 115 मामलों में से एक का हुआ निस्तारण। रेलवे कर्मचारियों के आयकर की सीमा छूट बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने की आम सभा। रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की मांग को लेकर मछुआ समुदाय के लोगों ने तहसील परिसर में दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। JEE और AES के रोकथाम और बचाव के लिए आयोजित होंगे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिलाधिकारी राजीव रतेला ने जिले के सभी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाने का जारी किया फरमान। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय का 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स शिविर का हुआ समापन। छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य से बांधा समा। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। एक दर्जन से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।